हाय गाइस, ये देखो शाम का टाइम था, मैंने धोए बहुत सारे कपड़े। देखो दो तीन बिलिंगनी भरी है, बिलिंगनी मतलब ये हार, और थोड़े से कपड़े अभी सुखाने के रह रहे हैं, वो सुखा रहे हैं। देखो ये था शाम का टाइम, 5:30 बजने वाले थे और मैंने शाम के टाइम धोए थे कपड़े, क्योंकि वैसे दिन में सुबह धोती तो सुबह स्कूल में गई थी बच्चों के, मैं आपको पता ही होगा, लोग देखा था। और देखो जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, लोगों ने बहुत मजाक किया था कि देखो हर वक्त लगी रहती है वीडियो बनाने में, क्या मिलता है इसको। अब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो अब मैं पैसा कमाने लग गई, तो थोड़ा सा बहुत खुशी हो रही है। और कितना पैसा एक वीडियो से बनता है, देखो वही व्यूज पे पैसा मिलता है। वैसे देखो अगर अच्छे व्यूज आते तो अच्छे पैसे आते हैं। और अब जो मेरा मजाक उड़ाते थे वो भी बहुत वीडियो बनाने लग गए, अब उनका भी मन कर रहा है कि हम भी चैनल बनाएं। और वो पहले सोचते कि पहले फालतू में ही बनाती रहती है वीडियो और कुछ नहीं मिलता है, और लेकिन भाई आज मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो सब जो मेरे से जलते थे वो आज उनको भी ये हो रहा कि हमारा भी खास आज चैनल होता तो हम भी अच्छे खासे थोड़े बहुत 10-5 रुपये कमाते। लेकिन भाई मेरा ये तो है ना कि ज़्यादा रुपये कमा रही हूँ, ये 30-40 रुपये रोज़ के आ जाते हैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मेरे व्यूज भी बहुत कमाते हैं। और जब अगर यूट्यूब फैमिली अच्छा साथ देगी तो आगे भी बढ़ेंगे भाई, इससे भी आगे जाएंगे। और जिसने मेरा मजाक बनाया था, देखो भाई आज मैं कामयाब हो गई, अपनी मेहनत में सफलता मिल गई मेरे को। और किसी भी कभी भी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए भाई, अगर किसी को किसी चीज़ में रुचि है तो उसको मतलब वो नहीं, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई, उसको थोड़ा सा हौसला देना चाहिए कि भाई आप ये काम सही कर रहे हो, करो अच्छा है। लेकिन भाई किस किस को समझाएं, सब मजाक करते थे उस टाइम तो, अब कोई नहीं मजाक करता। और आज और कुछ था नहीं ब्लॉग बनाने का, मैंने सोचा चलो यही दिखाती हूँ। और अभी बच्चों को भी ट्यूशन से लेके आना है, और ये कपड़े बस धो गए हैं, सुखा भी दिए हैं, और अभी टाइम हो गया है बच्चों का ट्यूशन से लेके आना। और आज अनु जी नहीं है, बाहर गए हुए हैं 2-3 दिन से, पता नहीं कुछ काम है, बाहर जा रहे हैं, तो मेरी ही ड्यूटी लगी है बच्चों को ट्यूशन से लेके आने में। और ये मैंने अभी सुखा दिए हैं ऑलरेडी कपड़े, बस थोड़े से ही बचे हैं, और अभी मैं लॉक लगा के जाऊंगी बच्चों को लेने। और ये सूखे हुए कपड़े उतार रही थी, थोड़ी नहीं अलग से रख रही थी, ये प्रेस के कपड़े हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े थे आज धो दिए, शनिवार के दिन ही धो दिए, नहीं तो कल संडे वाले दिन तो पता है आपको बहुत सारा काम हो जाता है वैसे भी, और लेट उठते हैं बच्चे, सुबह का टाइम ही बहुत हो जाएगा, काम करने में ही ऐसे निकल जाएगा टाइम। और भाई यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि बहुत थोड़ा सा ब्लॉग को एंड तक देखा करो, और थोड़ा सपोर्ट किया करो, और शेयर भी किया करो, अच्छे लोगों के पास शेयर भी किया करो, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन से, ये मैंने सूट सिला था उसकी बात बता रही थी, देखो ये मैंने सूट सिला था, जो तूफ़ानी दीदी थी वो बोल रही थी कि सूट दिखाना कैसे सिला है, और सलवार और कमीज बनाया इसका, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई, थोड़ी सी बहुत आती है सिलाई, ज़्यादा तो है नहीं, ये है कि अपना काम चला लेते हैं। और देखो गाइज कैसा लगा, लास्ट लुक दिखा दिया मैंने, और ये देखो ऊपर नीचे डाल रखे कपड़े, एक बिलिंगड़ी तो उतार दी सूखों की, सूख गए थे ये देखो, बहुत सारे कपड़े थे। और अभी मशीन को साफ करके रख दिया साइड में, अभी बच्चों को ट्यूशन से भी लेकर आना है, अब हम जा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आ रहे हैं, अब लेके आएंगे बच्चों को ट्यूशन से। 5:30 बज चुके हैं, अभी कपड़े धो के आई हूँ, बहुत सारे कपड़े थे, पहले अलंकृत और अक्षित को लेके आएंगे, आज उसका पापा नहीं है, कल भी नहीं थे, और आज भी मेरे को ही लेके ना, कल तो थे सॉरी, आज मेरे को ही लेके आने वो उनको भी। देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं अभी, बहुत दूर से लेके आने हैं, देखो चुमने वाला खड़ा इधर, उधर दिखा मुड़ा तरफ। हाँ पहुँच गए हैं बस बच्चों के ट्यूशन पे, हाँ मेरा भी हो रहा है, बस पहुँच गए क्रीता के ट्यूशन पे, फिर छोटे बच्चों को भी लेके आना है, बैल बजानी पड़ेगी, एक और बजा का ये बैल, ये रही बजा दो, आएंगे बच्चे, कितना अच्छा गेट है ना, हाँ ना स्कूल में गला। देखो गमले भी रखे तुलसी माता के, देखो रोड से बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है,
और जो पूछने वाली मैडम है उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, कुनरा लगी हुई है और फीवर आता है बेचारी को। बहुत ही अच्छा पढ़ाती है वही बच्चों को, बहुत ही प्यारी मैडम है। बोलने में कृता नहीं आई आ चुका है और अभी लवन नहीं आई, एलन कृता नहीं आई, सॉरी आई है बच्चा ना लड्डू दी की जरा तू भी कृता पिक्चर आ गई। सबसे शरारती है उनको गली में छोड़ दिया, अब दूसरों को लेके आ रहे हैं। अरे अभी करी तो नहीं है हाँ। बाय बाय बोलो मैडम को, लगा के दे बेटा, रुक जा भाई रुक जा, देखो जल्दी पकड़ दे, देखो कैसे भाग रही। पहुंच गए हैं घर, ये ले रही है मम्मी सब्जी, सब्जी वाला भी खा रहा है। पहुंच गए घर, अब मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड, घर पहुंच गए हैं और ये मम्मी ले रही थी सब्जी। और अच्छा ब्लॉग लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, शेयर दबा के करो भाई। बाय बाय।